वेलकम बैक। बुलेटिन का बकायदा आगाज करें इस खबर के साथ, पीपल्स पार्टी और पीटीआई और एमकेएम का बड़ा फैसला कर लिया गया है। कराची की तामीर और तरक्की के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमकेएम मुत्तहिद हो चुकी हैं। तीनों जमातों का मिलकर कराची की तरक्की के लिए काम करने का अहद भी कर लिया गया है और कराची की तरक्की के लिए तमाम इख्तलाफात खत्म करने का अज़्म का भी इजहार किया गया है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर की किस्मत बदलने के लिए पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम एक पेज पर आ गए। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और पीटीआई के नुमाइंदों का कई घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें वजीर आला मुराद अली शाह, सईद गनी, नासिर शाह ने शिरकत की। असद उमर, अली जैदी और वसीम अख्तर भी इजलास में मौजूद थे। कराची की तरक्की के लिए तमाम जमातों ने इख्तलाफात खत्म करने के आजम का इजहार किया। कराची वालों को मिसाइल से निजात दिलाने का मिशन, बड़े मामले पर बड़ी सोच विचार हुई। वजीर आजम ने कराची के हवाले से जल्द आईनी और कानूनी हल पेश करने की हिदायत कर दी है और टास्क मिलने के बाद वजारत कानून ने काम भी शुरू कर दिया। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची को इस वक्त बड़े बड़े मसाइल का सामना है, जिसमें बारिश के बाद पानी की निकासी का मसला सारे फहरिस्त है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेर, बिजली की लोड शेडिंग, खस्ताहाल सड़कें, पीने का साफ पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम और दीगर मामलात हल तलब है। इन मामलात के बेहतर होने से शहर कायदे खुशहाली का सफर शुरू हो सकेगा। जबकि दूसरी जानब मुर्तजा वहाब का कहना है कि कमेटी में विफाक और सिंध के तीन तीन नुमाइंदे होंगे और कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे और मिलकर काम करेंगे तो मसाइल भी हल हो जाएंगे। मसाइल के हल के लिए विफाक से मुजाकरात के दो दौर हो चुके हैं और विफाक से असद उमर, अली जैदी और अमीन उल हक भी शामिल हैं। सिंध से नासिर शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी, ऐसा कहा गया है मुर्तजा वहाब की जानब से। उनकी जानब से कहा गया है कि कमेटी में विफाक और सिंध के तीन तीन नुमाइंदे होंगे और कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे और उनकी जानिब से कहा गया है कि मिलकर काम करेंगे तो हमारे कराची के मसाइल भी हल हो जाएंगे। मसाइल के हल के लिए विफाक से मुजाकरात के दो दौर हो चुके। विफाक से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल हैं। सिंध से नासिर शाह, सईद गनी कमेटी में शामिल होंगे और कमेटी तरक्याती कामों में हायल रुकावटें भी दूर करेगी। आसिफ अली जदारी ने हुकूमती पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दिया है। आसिफ अली जदारी ने इसी इजलास में पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइड्स भी दी हैं और आसिफ अली जदारी की हुक्मरानों को की जो पॉलिसियां हैं उस पर मुतफक्कर हुए हैं और ठोस राय अमल करने की उनकी जानिब से हिदायत भी की गई है। आसिफ अली जदारी ने कहा है कि अवामी मफाद का तहफ्फुज़ और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। हमें अवाम और मुल्क के लिए जदोजहद करनी है और मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि कोई इसको संभाल ना सके। साबिक सदर की काफी अरसे तक अलालत के बाद एक बार फिर सियासी मैदान में एंट्री, हुकूमत पर कड़ी तनकी, हुकूमत पॉलिसियों को मुल्क के लिए तबाहकुन करार दे दिया। आसिफ अली जदारी ने पार्टी रहनुमाओं को पॉलिसी गाइडलाइंस देते हुए हुक्मरानों की पॉलिसियों पर ठोस लाए अमल अपनाने की हिदायत करती है। आसिफ अली जदारी का कहना है कि हमें अवाम के मफाद का तहफ्फुज और मुल्क को मुश्किलात से बचाना है। मौजूदा हुकूमत जैसे हाइब्रिड तजर्बात ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है। ऐसी नाअहल हुकूमतें लाकर तजर्बात किए जाते हैं जबकि मुल्क ऐसे रोजाना नित नए तजर्बात से नहीं चलते। आसिफ अली जदारी ने कहा है कि कौन सा शोबा है जिसमें पीटीआई हुकूमत ने आवाम को रिलीफ दिया है। ये हुक्मरान मुल्क को इस सतह पर ले जा रहे हैं कि कोई भी हालात को संभाल ना सके। उन्होंने कहा कि खर्चा महास हो या मईशियत, हुकूमत हर महास पर नाकाम हो चुकी है। जिद और हर धर्मी सियासत में नहीं चलती। मौजूदा हुकूमत ने हर शोबे को बहरान का शिकार कर दिया है।
दूसरी जानब नैब लाहौर ने एक और लीगी रहनुमा को 17 अगस्त को तलब कर रखा है और साबिक MPA माचे जहूर की कच्ची आबादी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में तलब किए गए हैं और नैब लाहौर ने माचे जहूर को बतौर नाजिम केस में तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ, मोहसिन लतीफ, रेवेन्यू और ओकाफ के अफसरान भी शामिल तफ्तीश होंगे। नैब लाहौर ने एक और लीगी रहनुमा को 17 अगस्त को तलब कर रखा है। साबिक MPA माचे जहूर कच्ची आबादी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में तलब किए गए हैं नैब की जानिब से। हुकूमत और IPPs के दरमियान MOU तय पा गया है। IPPs वसी तर कौमी मफाद में रायत देने पर मुत्तफिक हो गई है। IPPs ऑपरेशनल और इसके साथ साथ अखराजात 20 से 25% कम करेंगे। IPPs की कर्ज अदायगी की मुद्दत 5 साल बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया है। इकदाम से सार्फिन को अरबों रुपए रिलीफ मिलेगा और IPPs अपने सासों से बैंक कर्ज भी लेंगे। IPPs वसी तर कौमी मफाद में रायतें देने पर मुत्तफिक हो गई है। IPPs अपने ऑपरेशनल खर्चात 20 से 25% कम करने पर मुत्तफिक है। दस्तावेजात के मुताबिक IPPs अपने असासों से बैंकों से कर्ज लेंगी और IPPs प्रोजेक्ट्स के लिए हुकूमती बैलेंस शीट इस्तेमाल नहीं की जाएगी। मुकामी सरमायाकारों को शराय मुनाफे रुपए देने में इत्तफाक किया जाएगा और गैर मुल्की सरमायाकारों को शराय मुनाफा के लिए डॉलर की कदर 145 रुपए पर फिक्स करने पर भी इत्तफाक हुआ है। प्रोजेक्ट्स के कर्ज की मुद्दत बढ़ाने से टैरिफ में नुमाया कमी होगी और विंड पावर प्लांट्स को सोलर पावर प्लांट्स भी लगाने की इजाजत देने की तजवीज दी गई है, जबकि लेट पेमेंट सर चार्ज 4.5% से कम करके 2% करने पर इत्तफाक किया गया है। वाजिबात की अदायगी के लिए IPPs पावर परचेजर और हुकूमत मिलकर लाअमल मुरतब करेंगे। भारत में आजादी की आवाजें हकीकत का रूप धारने लगी हैं। भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक मजीद तेज हो गई है। जिला मोगा में DC ऑफिस पर तिरंगे को उतार कर खालिस्तान का परचम रहला दिया गया है। गुज़श्ता रोज यौमे आजादी को यौमे स्याह के तौर पर मनाया गया है। कश्मीरियों का हक है खुद इरादियत दबाने वाले भारत का वजूद खतरे में। भारतीय पंजाब में खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। पंजाब में भारत के यौम आजादी को यौम स्याह के तौर पर मनाया गया। अमृतसर में सिखों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आजादी का मुतालबा करते बैनर्स थामे जोशीले पंजाबियों ने खूब नारेबाजी की। जिला मोगा में सरकारी इमारत से तिरंगे उतार कर फेंक दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया गया, जिससे खलबली मच गई और इंतजामिया की दौड़ें लग गई। तेज सिंह चढ़ारे ने सेशन कोर्ट मोगा विखे खालिस्तान का झंडा, तुसी वेख सकते हो खालिस्तान का झंडा चढ़ा दिता गया। हुण वेखो कि भारती खूनी तिरंगे का उन्होंने की हशर किया। इस तिरंगे हेठ सिखा की नसल कुशी हुई है। ये तिरंगा दरबार साहब के उत्ते 1984 फौजा ने चढ़ाया सी। सिख कम्युनिटी का कहना है कि वो भारतीय गुलामी में रहना पसंद नहीं करते। भारतीय कयादतवादों से मुनहरफ हो गई, भारत से आजादी लेकर रहेंगे। कहते हैं हमारे कई रहनुमा गैर कानूनी तौर पर जेलों में कैद काट रहे हैं, उनका जुर्म सिर्फ आजादी के लिए आवाज उठाना है। 15 अगस्त सिंबलाइज करता है इंडियन नेशनल डे, जिस दिन भारत वासियों को आजादी मिली सी। साडा प्रोटेस्ट करना बड़ा क्लियर मैसेज है कि ये आजादी पंजाब तक नहीं आई, ये पंजाब तो परा परा रह गई है। हिंदुस्तानी आजादी मान रहे ने, कल पाकिस्तानियों ने आजादी मानी है, पर असी एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी दे विच फस गए। जेड़े वादे करके सानू नाल जोड़िया गया सी, वो वादियां तो मुकर गई इंडियन लीडरशिप। अज 15 अगस्त नू अकाली दल अंबरसर, दल खालसा और यूनाइटेड अकाली दल और तमाम जिहड़ियां एक निधड़क ते मानवतावादी जथेबंदियां ने, अज इस दिन नू काले दिन वजों मना रही ने, क्योंकि अज 73 वरे हो गए भारत नू आजाद होया और 90% कुरबानियां करन वाली सिख कौम अज सड़कां ते आ और 73 सालां दे विच सिख कौम नू जलावतनी, काले पानी दी सजावां, फांसी और अज तक साडे जिहड़े सेंटर गौरमेंट आ, जिहड़े बंदी सिंह ने अपनियां उम्र कैदां पूरियां कर चुके ने, अज तक रिहा नहीं कर रही। 15 अगस्त को हरियाणा और भारतीय पंजाब में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी।
सिखों ने पूरी दुनिया में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाई। अमेरिका में भारतीय सफारतखाने के बाहर सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। बात करते हैं कोरोना वायरस की, तो मुल्क में कोरोना वायरस का जोर अब टूटने लगा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक मजीद 6 अमवात हो गई हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजमुई अमवात की तादाद 6162 और गुजश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 670 नए केसेस सामने आए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद जो है वो 288,717 तक जा पहुंची है और मुल्क में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 16,248 है। मुल्क में कोरोना वायरस के वार में मुसलसल कमी। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 6 अमवात। वबा से जान बहक अफराद की तादाद 6,162 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में 670 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद कोरोना वायरस के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 288,717 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के कोरोना वायरस से मुतालिक ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक वायरस के एक्टिव केसेस की तादाद 16,248 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 266,301 मरीज सेहत याब चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,25,904 कोरोना वायरस के केसेस हैं, पंजाब में 95,391, खैबर पख्तूनख्वा में 35,153 केसेस सामने आए हैं, इस्लामाबाद में 15,378 मरीज, गिलगित बल्तिस्तान में 2,486, बलूचिस्तान में 12,224 कोरोना वायरस के केसेस सामने आए, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के 2,181 मुसद्दका केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने कहा है कि पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इकदाम से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। अपने बयान में उस्मान बुस्तार ने कहा है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा नरखों पर दस्तियाब है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए आइंदा भी हर इंतजामी कदम उठाया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा है कि सूबे के आवाम के हकूक का तहफ्फुज करना मेरी जिम्मेदारी है और किसी को आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं देंगे। महकमे खुराक के हुकाम और इंतजामी अफसरान गंदम और आटे की कीमतों की तसलसल के साथ मॉनिटरिंग जारी रखें। आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतलका इदारे मुतहरक रहें। गंदम और आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी जानब कहा गया है कि बुज़दार साहब पंजाब में गंदम 2200 रुपए फी मन फरोख्त हो रही है और इसके साथ साथ कहा गया कि 4 माह कबल आपने ही गंदम का सरकारी रेट 1400 रुपए मुकर्रर किया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून उज़्मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द अमल भी आ गया है। कहा गया है कि पंजाब की तारीख ने जो है वो चीनी ने पहली मरतबा अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। शिबली फराज के मुताबिक सितंबर में चीनी और गंदम का स्टॉक खत्म हो रहा है। दूसरी जानब हुकूमत का ओपन मार्केट से कंट्रोल जो है वो उठने लगा है और लाहौर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोज न्यूज कैस चौधरी से। जी कैस, सब्जियों के नर्ख जो है वो आम आदमी की पहुंच से तो दूर हो गए, क्या कहते हैं शहरी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई का बुखार है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब्जियों के जो रेट हैं वो आए रोज बढ़ते जा रहे हैं और शहरी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। अगर आज के रेट्स की बात की जाए तो टमाटर इस वक्त मंडी में दस्तयाब नहीं है क्योंकि टमाटर का जो रेट है वो 100 रुपये से ज़्यादा है। आलू भी 100 के करीब पहुँचे हुए हैं। इसी तरह करेले हैं, कद्दू हैं, दीगर मसाला जात हैं, उनके रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से शहरी भी परेशान दिखाई देते हैं और दुकानदार हजरात भी परेशान हैं। मैं लाहौर की एक मकामी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ शहरी ख़रीदारी कर रहे हैं सब्ज़ी की, उनसे बात भी करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे जी, सब्ज़ी के रेट्स के हवाले से कुछ कम होते दिखाई दे रहे हैं? जी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब यहाँ कंट्रोल तो है नहीं है, ना गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है ना इनसे कंट्रोल हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। अब आप देखें, अब फिर 50 रुपये हो गया, आलू 100 रुपये बिक रहा है और टमाटर तो मार्केट में है ही नहीं, ना किसी के पास टमाटर नहीं है। पता चला जी मंडी में 100 रुपये किलो बिक रहा है तो यहाँ ला के क्या बेचेंगे, तो हर चीज़ ही महंगी है।
इसको कंट्रोल किया जाए। इमरान खान को चाहिए कि इसको कुछ ना कुछ तो इसको कंट्रोल होना चाहिए ना जी। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी, वो तो मर जाएगी, पहले ही मरी हुई है जी। बिल्कुल, शहरी तो परेशान है, दुकानदार हजरात इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जानते हैं जी। क्या कहेंगे, सब्जी महंगी किए जा रहे हैं जी आप हर रोज? देखो नहीं, हम किए जा रहे हैं कैसे, हर कोई बंदा हमें आगे कहता है, प्राइस कंट्रोल वाले हमारे जुर्माने करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये लिस्ट जो जारी की है इन्होंने, मंडी में कभी जाते ही नहीं है, सिर्फ लिस्ट लिख दिया है। आप देखे लिस्ट में, आप एक मिनट देखे जरा जी, आलू इन्होंने लिस्ट में रेट दिया टमाटर का, आज का रेट टमाटर 85 रुपये किलो और कल 50 रुपये किलो टमाटर बिका है। अब इतना 85 रेट कहाँ से दे दिया एक दिन में, इनको कैसे पता चल गया कि 85 रुपये सुबह टमाटर हो जाएगा? हालांकि टमाटर 500 रुपये दे मंडी के अंदर है, 15 रुपये कम दिया लिस्ट के हिसाब से भी जी। बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना, एक तरफ तो शहरी परेशान है और दूसरी जानब से जो दुकानदार हजरात हैं वो भी इस हवाले से परेशान है, लेकिन दूसरी जानब जो है वो ज़िलाई इंतज़ामिया इस हवाले से कोई खास अपना रोल प्ले करती दिखाई नहीं दे रही। मंडियों में चीज़ों की कीमतों को जो है कंट्रोल करना ज़िलाई इंतज़ामिया का काम है, मगर इस हवाले से ज़िलाई इंतज़ामिया ने भी आंखें बंद की हुई हैं जी। जी शुक्रिया कैश से इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको अपडेट करेंगे कि विफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि सीपैक के तहत मुतअद्दिद नई सूबों पर इस साल काम का आगाज हो जाएगा और सीपैक पूरे इलाके की मआशी तरक्की की राह भी हमवार करेगा। विफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कहा है कि सखर हैदराबाद 300 किलोमीटर की एक्निक से मंजूरी के बाद काम का आगाज हो जाएगा। मुल्तान सखर मोटरवे को गुजशत साल मुकम्मल करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। हवेलियां मानसरा के बाद इस साल हवेलियां ताकोट भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है और विफाकी वजीर मवासलात ने कहा कि योग कचलाक और मगरबी रूट पर जो है वो स्टेज पर है और इस साल काम का आगाज होगा और हवेलियां मानसरा के बाद हवेलियां ताकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि आवरान 146 किलोमीटर भी है और होशाब आवरान मोटरवे का नवम्बर में आगाज होगा जो 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। आवरान मगरबी रूट 168 किलोमीटर पर काम का आगाज मार्च 2021 में होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 अगस्त से 21 अगस्त तक के लिए मुकदमात की कॉज लिस्ट और जजेस रोस्ट्रम जारी कर दिया गया है। 2 बेंचेस मुख्तलिफ अहम मुकामात की समाअत भी करेंगे और सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में पीर से जुमे तक 2 बेंचेस जो हैं वो अहम मुकदमात की समाअत करेंगे, जिसमें बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल अहसन है और जस्टिस काजी अमीन भी शामिल है, जबकि 3 रुकनी का जो बेंच है उसमें नंबर 2 बेंच में जस्टिस काजी फैज एसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी शामिल है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को अवामी मुकामात पर पेट्रोल पंप्स लीज पर देने से मुतालिक अस खुद नोटिस केस की समाअत करेगा और इस तरह बुध को इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा तौही ने अदालत केस, जुमेरात को पाकिस्तान रेलवे खसारा केस और जुमे को सरकारी रहायशगाहों की गैर कानूनी अलाटमेंट से मुतालिक अस खुद नोटिस केस की समाअत और दीगर मुकदमात की समाअत भी होगी। अदालत ने तमाम मुकदमात में फ्री एंड कोर्ट नोटिस भी जारी कर दिए हैं। रोज न्यूज में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रोज न्यूज़ जिम्मेदार सहाफत का नक्शे अव्वल, ज़ाब्ता इख़लाक़ में एक नया इजाफा। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के पेश नजर रोज न्यूज ने नई SOPs मुतारिफ करा दी। स्टूडियो से होने वाले तमाम प्रोग्रामों के एंकर्स और शुरका एहतियाती तदाबीर के तहत मास्क पहन के शरीके गुफ्तगू होंगे। चेयरमैन रोज न्यूज सरदार खान न्याजी के प्रोग्राम सच्ची बात से SOP का इत्तलाक और आगाज। सरदार खान नियाजी और सैयद फखर इमाम विफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी ने मास्क पहनकर प्रोग्राम किया। रोज न्यूज एक बावकार और जिम्मेदार सहाफत का नकीब है। ख्याल रहे कि रोज न्यूज के स्टूडियोज में मास्क पहनकर एंकर तभी बैठेगा जब स्टूडियो में एंकर के साथ कोई और शरीके गुफ्तगू होगा। अगर एंकर अकेला मौजूद हो तो मास्क पहनना लाजिम नहीं करार दिया गया। कौम से भी अपील है मास्क पहने। जिम्मेदार समाज, जिम्मेदार सहाफत, कदम ब कदम।
खून और पसीना तो आपने ले लिया, जान रह गई है वो भी हाजिर है। जब इन दोनों ने अपनी प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई हैं, ये कैसे रोक सकते हैं दूसरों को बाहर पैसा भिजवाने से? हुर्मते रसूल पे तो मेरी जान भी कुर्बान है, हुर्मते रसूल पे मेरी जान भी कुर्बान है। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियां बहैसियत मजमुई तौर पे इस कौम को इसी तरह का जज्बा अता करे। इंडिया का नेचरली हमारे से ज्यादा नुकसान होगा और हमारे पास ईमानी जज्बा भी है। जंगे फौजें नहीं लड़ती हैं अकेले, जब अवाम पीछे होते हैं जिस तरह माशाल्लाह हमारे अवाम हैं, पूरा मुल्क यकजा हो गया। तो ये जो स्पेंड है ये फौज को एक बहुत अच्छी मॉरल स्टैंडिंग दे देती है। आपके एंकर कोई अनसब्सटेंशिएटेड इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। हमने अपना ज़ब्ते इख़लाक तो आपको दिखाया जब आप तशरीफ लाए। मैं तो आपका बहुत मशहूर हूँ, आप एक टीवी चैनल है, बाकी 87 को कौन संभालेगा? वक्त को आप कदर नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, वक्त आपकी कभी कदर नहीं करेगा। क्या हम सारी उम्र इसी तरह रोते रहेंगे? इसका कोई नजर आता है नजदीक में? अल्लाह उनकी रियासती दहशतगर्दी की वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान है तो हम आए उस तरफ, तवज्जो लोगों की कम है। अब जब ज्यादा आ जाएंगे शाहीनों की जगह तो फिर यही होगा। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा वक्त जो है वो आ रहा है। जूदा GAT रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल में तो बड़ी कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट है। इंडिया की मदाखलत पाकिस्तानी मामलात में कुछ ज्यादा हो गई है, इसको आप कंडेम करते हैं? इंडिया को खुला रास्ता दिया गया था पाकिस्तान के अंदर मदाखलत का, वो अब पाकिस्तान ने कंट्रोल कर लिया। अल्लाह ताला का हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, उसकी हिमायत हमारे साथ है, जिसकी वजह से जितना भी क्लेम किए जितने हिंदुस्तान में वो एक एक करके गलत साबित हुए। जजमेंट पाकिस्तान में जमहूरी निजाम को कायम करने के लिए बहुत ही अहम संग मील साबित होगी। तो आप सेटिस्फाई हैं सेनेट के इलेक्शन से? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मैं समझता हूँ कि कोई पैसा नहीं चला। मैं एक तो ये मुझे तो किसी चीज़ का इलम नहीं है, मुझे कोई इस किस्म की शवाद नहीं मिली, कोई पैसा चला है। नॉन मिलिट्री एक्शन है अगेंस्ट टेररिस्ट कैंप, ये किसने उनको ये इख्तियार दिया? ना UN चार्टर देता है ना कोई और बैन अवी कानून देता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने बहुत मुनासिब जवाब दिया उसका। आज जब अनवरा जेंजवा का केस उन्होंने ले लिया, मेरी खबर आपकी खबर है, बिल्कुल आपकी खबर है, बहुत सारे लोग वापस बरामद हुए। इमरान खान साहब जो है उनके गाड़ी साहब से साथ इराद करते हैं तो मैं तो उनसे जान लेके घर जाके बैठूंगा, मैं फौज के लिए शहबाज शरीफ गुड कॉप है और नवाज शरीफ बैड कॉप है। जिस तरह वो कहा जा रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ ने इतने पैसे दिए, किसी सिविलियन या किसी पॉलिटिशियन का हाथ नहीं था, बल्कि सारा ISI ने किया, जनरल पाशा ने किया। तो ये लोगों की उम्मीदें हैं, लोगों की तरसती आंखें हैं, आंसे हैं, वो लोग आस लगाए बैठे हैं कि जी वह आदमी है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो लोगों की उम्मीदों पे तब आप पूरे हो सकते हैं। न्याय साहब, जो मेरा बात करने का मकसद है कि आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, जितने तक आपकी रोज़ाना मुलाकात हो आप उनको रोज़ाना हालात से आगाह करें कि फील्ड में हमारे क्या हालात हैं। मैं उनसे जी कॉन्स्टेंटली इन टच हूँ और उनको अपडेट करते रहते हैं, उस चीज़ों को हम बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को सही करते जा रहे हैं। 30 लाख नौकरी हमें हर साल चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं जवान हैं इस वक्त जिनकी उम्र 20 से 30 साल और हमारे पास नौकरियां नहीं। सारी बजट डेवलपमेंट बंद कर दो, सील कर दो, डैम बनाओ, हम उनके साथ। कर्जों का फायदा यही होता है, लेने वाला मजे करता है और आइंदा नस्लें वो गुलाम बन जाती है। हमारी फौज की जो बेखबराना सलाहियतें हैं वक्त के साथ साथ एक बहुत आला मेयार हासिल करती है। अलग शहर है लेकिन ये कि कोई पता ना चले जिना क्या तो मार गए थे, पता कौन मारता है ये? आज तक किसी भी हमले में कोई कातिल मारा नहीं गया। हिरन का नाम है पर्शियन में गजल है। और उसकी आखिरी आह को आज वो गजल कहते हैं। इसका मकसद है मेरे पास हिरन दो हैं तो उनको उनकी आखिरी आह तक इंतजार ना करें। देखिए प्रोग्राम सच्ची बात SK 89 के साथ सोमवार, मंगल और बुध रात 8:05 पर सिर्फ रोज न्यूज पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बात करते हैं अजीम बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के 778वीं सालाना उर्स का आगाज हो गया है। सुजाता नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती ने उर्स की 15 रोजा तकरीबात का आगाज भी किया है। सखी लजपाल मेरा गंजे शकर बाबा, गंजे शकर मेरा गंजे शकर, गंजे शकर मेरा गंजे शकर।
पाकपतन में गंज शकर काउस सायरीन बड़े अकीदत और एहतराम से मना रहे हैं। रवां साल कोरोना वायरस वबा के पेश नजर उर्स की तकरीबात को महदूद रखा गया है। दूसरे शहरों से जायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। महदूद रसूमात के तहत बहिश्ती दरवाजा भी 2 दिन अलामती तौर पर खोला जाएगा। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 15 रोजा उर्स का आगाज गुसल चादर पोशी और दुआ की तकरीबात से किया गया। उर्स के मौके पर मुकामी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से तमाम हिफाजती इकदामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजार शरीफ की पुर नूर फिजा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और हक फरीद या फरीद के नारों से मुअत्तर है और जायरीन मजार शरीफ पर अपनी हाजा की पूरी होने की दुआएं कर रहे हैं और फातह खानी भी कर रहे हैं और चादर भी चढ़ा रहे हैं। इस मौके पर सज्जादा नशीन की जानिब से मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी तौर पर दुआएं भी मांगी जा रही हैं। शहनशाह कवाली नुसरत फतह अली खां को 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। शहनशाह कवाली गजल गायक और मौसीकार उस्ताद नुसरत फतह अली खां की 22वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वो 16 अगस्त 1997 को इस दुनिया से रुखसत हुए थे। नुसरत फतह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम फतेह खान और वो खुद भी नामवर गुलूकार और कवाल थे। नुसरत फतह अली खान ने बैन अल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। टाइम मैगजीन ने 2006 में एशियन हीरोज की फहरिस्त में उनका नाम भी शामिल किया। बतौर कवाल इस अजीम फनकार को कई बैन अल-अक़वामी एजाजात से भी नवाजा गया। कवाल की हैसियत से 125 ऑडियो एल्बम उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ने वाला शायद दूर दूर तक कोई नहीं। उनकी शोहरत ने उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलवाई। दम मस्त कलंदर मस्त अली मौला अली ये जो हल्का हल्का सुरूर है मेरा पिया घर आया अल्लाहू अल्लाहू और किना सोना तेनु रब ने बनाया जैसे एल्बम उनके क्रेडिट पर है। नुसरत फतह अली खान की एक हमद वही खुदा है को भी बहुत पजीराई मिली जबकि एक मिली नगमे मेरी पहचान पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के आवाम के लिए गाया गया गीत जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। नुसरत फतह अली खान ने दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाया। पाकिस्तान के साथ साथ कई हुकूमतों और अक्वामे मुत्तहिदा ने उनकी शानदार फनी खिदमत का एतराफ करते हुए इन्हें मुतअद्दिद सरकारी एजाजात से नवाजा। शहनशाह कवाली नुसरत फतह अली खान जिगर और गुर्दों के आरसा समेत मुख्तलिफ अमराज में मुबतला होने के बायस सिर्फ 49 साल की उम्र में 16 अगस्त 1997 को अपने करोड़ों मद्दाहों को रोता हुआ छोड़ गए। हैदराबाद का रुख करते हैं। हैदराबाद में मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर जो कि आए रोज हादसात का सबब बनते जा रहे हैं जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी अदालती अहकाम को नजरअंदाज कर दिया है। हैदराबाद से अंदरून सिंध और कराची जाने वाले मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब ये गैस सिलेंडर किसी भी मुमकिन बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं आशिक हुसैन। हैदराबाद में मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब गैस सिलेंडर जो कि आए रोज हादसा का सबब बनते जा रहे हैं जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी अदालती अहकाम को नजरअंदाज कर दिया है।
हैदराबाद से अंदरून सिंध और कराची जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों में नस्ब हुए गैस सिलेंडर किसी भी मुमकिन बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। गरीब आदमी परेशान है, बस में धमाका होता है, मरते हैं, परेशानी होती है। इससे बेहतर है जो सिस्टम चल रहा था वो सही चला रहे हैं, चला ले उनको। इससे हादसे बहुत होते हैं, लोगों का नुकसान भी होता है, जाली माली नुकसान होता है। ये सिलेंडर नहीं लगाना चाहिए, जो भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है वो सही है अपनी जगह पे। और भाई जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, और ये नहीं होना चाहिए सिलेंडर। मुसाफिरों का कहना है कि अदालती अहकाम की पासदारी करके इन गैस सिलेंडर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लगाइए, इसमें अमल दरामद तो नहीं हो रहा है, इसे बहुत जानी नुकसान हो सकता है, हुकूमत के चाहिए भी इसमें अमल कराना चाहिए। जबकि दूसरी जानिब शहर के गुंजान आबाद इलाकों में भी गैस सिलेंडर की दुकानें खुलेआम कायम हैं। कैमरा टीम के साथ आशिक हुसैन, रोज न्यूज हैदराबाद। महकमे मौसमियात ने विफाकी दारुल हुकूमत समेत बलाई पंजाब, बलाई खबर पख्तूनख्वा और जनूब मशरक सिंध और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई करती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला और नारोवाल में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लैया, भक्कर और डीजीखान में बास मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, बदीन, थरपारकर और नगर पारकर, उमरकोट, ठठा, शहीद, बेनजराबाद और सखर में बारिश होगी। मीरपुर खास, सांगढ़ और मिट्टी में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पेशावर, रैबिटाबाद, दीद, मानसिरा, सवात, बोरीन, मर्दान, कोहाट, कुर्रम, बनू, लसपेला, खुजदार, बारखान और गिदनवाह में तेज हवाओं के साथ बारिश मतवके है। कुछ खबरें बैनर रखा में मंजरनामे से आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया भर में 2,16,04,192 अफराद मुतासर हैं और 74,08,739 अमवात भी रिकॉर्ड हुई हैं। जबकि दूसरी जानब 1,43,00,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब भी हुए हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से 55,29,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की सूरतेहाल को सामने रखते हैं और जिसमें 1,101 अमवात हुई हैं। अमरीका कोरोना वायरस से मजमुई अमवात की तादाद जो है वो 1,72,606 हो गई है। ब्राज़ील का रुख करते हैं जहां 33,17,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। ब्राज़ील में कोरोना वायरस से मजीद 601 अफराद हलाक भी हो चुके हैं। दूसरी जानब जो मजमुई तादाद है केसेस की वो 1,07,000 से ज़ायद है और भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 25,079 से भी तजावुज कर गई है और एक दिन में 950 अफराद जाँ बहक होने से अमवात की जो मजमुई तादाद है वो 50,084 तक जा पहुंची है। रूस का रुख कर लेते हैं जहां कोरोना वायरस से 9,17,000 से ज़ायद अफराद मुतासर हैं और 15,617 अफराद ऐसे हैं जो कि जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। ट्रंप कैंपेन की जानिब से मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रंप के उनवान से नई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम की क्यादत अमेरिका में मुमताज पाकिस्तानी साजिद तारड़ करेंगे। साजिद तारड़ ने कहा है कि मुस्लिम वॉइस तारीख का हिस्सा बन रही है और ये मुस्लिम वॉइस की बड़ी कामयाबी है कि इस कामयाबी पर सदर ट्रंप के मशकूर भी है। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम सपोर्टर्स जो हैं वो मुस्लिम वॉइस में सब्सक्रिप्शन के जरिए शामिल हो सकते हैं। मुस्लिम वॉइस फॉर ट्रंप अमरीकी सदर को दोबारा सदर बनाने के लिए पुरअज़्म भी हैं और वाज़ेह रहे कि साजिद तारड़ सदर ट्रंप के बहुत बड़े हामी हैं। ये पहला मौका है कि अमरीका में सदारती इंतखाबी मुहिम में मुसलमानों को बाकायदा नुमाइंदगी दी गई है। जबकि दूसरी जानब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के छोटे भाई रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क में इंतकाल कर गए हैं। 72 साल रॉबर्ट ट्रंप न्यूयॉर्क सिटी अस्पताल में जेर इलाज थे। सदर ट्रंप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि वो इनके भाई ही नहीं बल्कि इनके दोस्त भी थे। अमरीकी सदर ने उनकी मौत से एक रोज पहले उनकी अयादत भी की थी और मीडिया रिपोर्ट्स का बताना यह भी है कि वो सख्त अलील थे लेकिन उनकी बीमारी के बारे में ताहाल पता नहीं चल सका। कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से। कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि आटा चीनी के बाद अब एलपीजी भी महंगी हो गई है और कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया है। गैस घरेलू सिलेंडर 60 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 230 रुपए बढ़ गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन का कहना है कि तफ्तान बॉर्डर्स चंद रोज और बंद रहा है तो कीमतें मजीद बढ़ेंगी।
महंगाई माफिया फिर मुतरक और गर्म मौसम में भी एलपीजी 5 रुपए महंगी कर दी गई है, जिसके बाद फी किलो कीमत 150 रुपए मुकर्रर हो गई है। जबकि दूसरी जानब घरेलू इस्तेमाल का गैस सिलेंडर जो है वो 60 रुपए महंगा, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 230 रुपए इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक तफ्तान बॉर्डर की बंदिश से एलपीजी की सप्लाई जो है वो कम हुई है, जिससे कीमत भी बढ़ गई है। अब गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले शहरी भी परेशान हो गए और कहते हैं कि पहले ही महंगाई जो है वो अरूज पर है और गैस महंगी होने से मजीद मुश्किल होंगी। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक सप्लाई में 1200 मैट्रिक टन की कमी हुई है और ये सूरत हाल बरकरार रही तो कीमत मजीद बढ़ सकती है। अब कुछ खबरें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर यह है कि अदाकारा इकरा अजीज ने एक प्रोग्राम में इंकशाफ किया है कि उन्होंने लोगों के सवालात से तंग आकर यासिर हुसैन से जल्दी शादी कर ली। अदाकारा इकरा अजीज इफ्फत उमर के ऑनलाइन शो में शरीक हुई, जहां इफ्फत ने उनसे उनकी शादी के हवाले में सवाल पूछते हुए कहा कि शादी की इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें, जिस पर इकरा अजीज ने कहा कि मुझे दरअसल इन सवालों से एतराज था जो लोग मुझे और यासिर को देखकर पूछते थे कि क्या आप दोनों डेटिंग कर रहे हैं, क्या आप एक साथ हैं या नहीं और वगैरह वगैरह। इकरा अजीज ने कहा कि इन तमाम सवालात से छुटकारा चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि इससे बेहतर है कि आप एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने की ख्वाहिश करें, आप शादी कर लें और हमेशा के लिए साथ रहें। इकरा अजीज ने मजीद कहा है कि उन्होंने लोगों की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात किए, आप दोनों साथ हैं या नहीं, आप शादी कब करेंगे, क्या आप दोनों मुलाकात करते हैं, एक इस्लामी मुल्क में आप मुलाकात कैसे कर सकते हैं और भी बहुत से सवालात। लिहाजा इन सवालात में उलझने की बजाय मैंने यासिर हुसैन के साथ शादी करना मुनासिब समझा, ताकि घर वालों की दुआओं के साथ सब एक साथ खुशी से रहें। इकरा अजीज ने शादी की अहमियत बताते हुए कहा कि जब आप किसी के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं और आप फैसला कर लिया इसी शख्स के साथ आपको जिंदगी गुजारनी है, तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप उस शख्स से शादी कर लें। इसके साथ ही इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट rosenews.com.pk और देखते रहिए रोज न्यूज़।